ओके गुड इवनिंग एवरीवन तो बढ़िया रेडी अप्लाइड मैथ्स क्लास ट्वेल्थ अप्लाइड मैथ्स जिसके बारे में एक साल से हम जब पहली बार इलेवेंथ तो हमने स्टार्ट किया था तो हमने अप्लाइड मैथ्स के पोस्टमार्टम किया था और बदला था कि ये मैथ्स नहीं है यार एप्लीकेशन है बट इलेवेंथ में आपको उतना ज्यादा वो फील नहीं आया होगा कि ये एप्लीकेशन है उसका रीजन है कि आपने जो स्कूल एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है उस तरह से प्रिपरेशन करना पड़ा बट बोर्ड्स में ट्वेल्थ में जो इसका सिलेबस कंटेंट है और जो इसका वेटेज है चैप्टर बाय चैप्टर एग्जैक्टली वैसा ही हमारे पास बोर्ड्स एग्जाम में आने वाला है और यहाँ पे ट्वेल्थ सिलेबस में ट्वेंटी मार्क्स मैथमेटिक्स एंड सिक्सटी मार्क्स एप्लीकेशन यानी अप्लाइड पार्ट आने वाला है यहाँ पे मैक्सिमम चैप्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी कमर्शियल एप्लीकेशन हमें अंडरस्टैंड करनी है

जितना टाइम ट्वेंटी मार्क्स के सिलेबस को लगता है ना हम उतने टाइम में विद मोर एक्यूरेसी विद मोर कॉन्फिडेंस सिक्सटी मार्क्स का सिलेबस कवर कर लेंगे मैथ्स वेटेज कम है टाइम ज्यादा खाता है लेकिन अप्लाइड मैथ्स को यदि अपने कॉन्सेप्ट चलिए और एप्लीकेशन डायरेक्शन से पढ़ा ना तो कई चैप्टर्स ऐसे होंगे जो दो दो दिन तीन दिन दिन में खत्म करके निकल जाएंगे वेटेज ऑफ फाइव टू टेन मार्क्स लिटरली बता रहा हूं बस कॉन्सेप्ट पे काम करना है एप्लीकेशन पे फोकस करना है फॉर्मुलाज पे कम से कम काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम उसके एप्लीकेशन को जैसा कि हमने इलेवेंथ में पढ़ के आए हैं उसी पैटर्न पे अपना यहां पे फोकस करेंगे सिलेबस को एक बार देख लें तो आपका सिलेबस ये रहा विद वेटेज नंबर क्वांटिफिकेशन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इज अ फर्स्ट पार्ट

बोट एंड स्ट्रीम पाइप एंड सिस्टर्म रेसेज एंड गेम्स न्यूमेरिकल inequalities और ये सारे chapters से क्वेश्चन आएगा ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आएगा सब में से क्वेश्चन आएगा किसी में से कोई दो नंबर का एमसीक्यू दे दिए किसी से कोई केस स्टडी बना दिया फोर मार्क्स का उस तरह से क्वेश्चन होंगे अब ये चैप्टर सारे एप्लीकेशन नेक्स्ट एल्जेब्रा कैलकुलस ये दो मैथामेटिकल टॉपिक हैं और इन दो टॉपिक का वेटेज देख लीजिए ट्वेंटी फाइव मार्क्स दैट्स ऑल ये है मैथ्स ट्वेंटी फाइव मार्क्स मैक्सिमम स्पेसिफाइड इन सिलेबस ट्वेंटी इससे ज्यादा नहीं है थर्ड आपके पास नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी पढ़ा हमने लास्ट ईयर इलेवेंथ में बेसिक प्रोबेबिलिटी यहां उसका एक्सटेंशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज थेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जहां हम जिसे हम एडवांस थ्योरी में एडवांस स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं हमने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा एक बार इसका एक आइडिया लें तो हमने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा उसमें हमारा सैंपल साइज कितना था डेटा कितना था एक्सपेरिमेंट्स कितने होते थे लिमिटेड कॉइन खेलोगे तो कितने जाता था कितने कॉइन तक गए थे थ्री आउटकम टोटल आउटकम वाज लिमिटेड ना मैं आपको बोल दूं कि मैंने हंड्रेड टाइम कॉइन टॉस किया अब लगाओ ट्रेडिशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते यार वहां जहां पे आपका नंबर ऑफ आउटकम टोटल आउटकम जहां आपके एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं मैं आपको बताऊं इस रोड पे रोज एक एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ या इस रोड पे एक साल में दस एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ सर इस रोड पे दस एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी मतलब रोड कितनी गाड़ियां निकलती होंगी साइज लार्ज अब प्रोबेबिलिटी कैसे लगाऊ वहां काम आता है थेरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आपको तीन तरह के थेरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेने हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है इंफ्रुएशियल स्टेटिस्टिक्स हमने इलेवंथ में स्टैट्स पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था देर आर टू टाइप ऑफ स्टेट्स डिस्क्रिप्टिव एंड इंफ्रेंशियल इलेवेंथ पढ़ के आए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और अब यहां हम पढ़ेंगे इंफ्लुशियल स्टैट्स एंड द सेम डिफरेंस जब हम डेटा को काउंट करके और उससे आउटकम ड्रॉ कर सकते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि उसमें हर डेटा को एनालाइज किया जाता है बट व्हेन द डेटा साइज इज वेरी लार्ज तो अब आप कैसे आउटकम निकालेंगे पूरे इंडिया के इलेक्शंस हो रहे हैं और उसमें कौन सी पार्टी को कितनी सीट्स बनेगी क्या हो गया अब करो एनालाइज कर रोड्स ऑफ पॉपुलेशन में कहा जाना पड़ेगा सैंपलिंग पे हमें सैंपल ड्रॉ करना पड़ेगा सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन का डिसीजन देना पड़ेगा वो स्टैटिस्टिक्स कहलाती है इंफ्लुएंशियल मतलब इन्फर करना मतलब किसी एक पार्ट को एनालाइज करके पूरे पॉपुलेशन के लिए डिसीजन ड्रॉ करना बहुत प्रैक्टिकली काम में आने वाली चीज है अब सोच के देखो पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने गए ग्रॉसरी की चार तरह के राइस हैं क्या करते हैं देखा पेरेंट थोड़ा सा हाथ में लेते हैं स्मेल करते हैं पॉलिश वॉलिश देखते हैं बाय टेकिंग अ हैंडफुल ऑफ राइस एज सैंपल उन्होंने इस पूरे बॉक्स में भरे हुए राइस के बारे में डिसीजन दे दिया कि अच्छे हैं या नहीं है दैट इज इंफ्रशियल स्टैटिस्टिक्स अब इस इंफ्रेंशियल स्टैटिस्ट फाइव मार्क्स का वेटेज नेक्स्ट है आपके पास इंडेक्स नंबर टाइम बेस्ड डेटा इंडेक्स नंबर ऑप्सलेट खत्म हो गया टाइम बेस्ड डेटा अकेला टॉपिक वेटेज फाइव मार्क्स का है अर्लियर इट वॉज ऑफ सिक्स मार्क्स अभी फाइव मार्क्स का है ये चैप्टर हमें कंप्लीट करने में कैन यू बिलीव डेज लगेंगे पांच नंबर के लिए गारंटी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक ये हो गया आपका स्टैट्स ये हो गया स्टैट्स फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इट्स सेल्फ फिफ्टीन मार्क्स का ये फिफ्टीन ये ट्वेंटी मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स हो गया फाइनेंशियल मैथमेटिक्स फिफ्टीन मार्क्स का आ गया और

कैसे उसका एक एग्जाम्पल देता हूं अपने बचपन में एक्स और वाई माना था मैथ्स में कितने वेरिएबल यदि दो वेरिएबल होते थे तो आउटकम निकालना पॉसिबल होता था मैं आपको तीन अननोन वेरिएबल दे दूं और उन तीन अननोन वेरिएबल की आठ इक्वेशन बना के रख दूं वैल्यू बताओ थ्रू मैथ्स सॉल्व करके सॉल्व करने का सोच के देखो आर थ्री फोर फाइव वेरियबल्स विथ फोर और फाइव इक्वेशन जिनसे हमें एक एक आउटकम चाहिए एक्स की क्या होगी वाई की वैल्यू क्या होगी जेड की वैल्यू क्या होगी उसको सोल्व करेगा लीनियर प्रोग्रामिंग ईजीली ठीक है हमारा सिलेबस सोल्यूशन ऑफ थ्री वेरिएबल तक नहीं जाता है हमारा सोल्यूशन सोल्यूशन हमारा जो सिलेबस है फॉर्मुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वेरियबल्स हो सकता है बट सोल्यूशन दो वेरिएबल का मांगा है तो ग्राफ से दो ही वेरिएबल सॉल्व होते हैं तो हमें यहां पे ग्राफिकल सोल्यूशन पे भी जाना है तो ग्राफ बनेगा दो चैप्टर ग्राफ बन ग्राफ बेस्ड हैं टाइम बेस्ड लीनियर प्रोग्रामिंग दोनों में ग्राफ यूज आता है ठीक है टेबल्स की बात करें तो इंफ्रेंशियल स्टेटिस में नंबर ऑफ टेबल्स चाहिए जेड टेबल टी टेबल लेकिन अगेन वो हमें मिलेगी नहीं हमें उनका डेटा हमें उनकी वैल्यूज बोर्ड में गिवन आएंगी हमें मैक्सिमम वैल्यूज शायद स्कूल्स में आपको ना मिली हो इस बार मिलेंगी बोर्ड्स में कहां कहा, कितनी वैल्यूज मिलेंगी वो सब आपको बताऊंगा कि ये वैल्यूज वैल्यूजल से हैं जो गिवेन आएंगी तो इस तरह से ये हमारा पूरा सिलेबस है पैटर्न आपको पता ही है व्हाट विक्रम सर विल टेक ये दो टॉपिक एल्जेब्रा एंड कैलकुलस प्लस सम पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिक एप्लीकेशन ये विक्रम सर लेने वाले हैं और बाकी सारा पोर्शन अप्लाइड का है दैट आई विल टेक बाकी सारा पोर्शन अप्लाइड का है एप्लीकेशन बेस्ड है और ये दो टॉपिक नहीं है बेसिकली यहां से एलजबरा शुरू होता है जिसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स देख सकते हैं कैलकुलस नंबर ऑफ टॉपिक्स देख सकते हैं इंटीग्रेशन एप्लीकेशन डिफ्रेंशिएशन ये सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स के वो उनको दो टॉपिक में जितना टाइम लगेगा ना मैं उतने टॉप टाइम में आपका बाकी सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा विद कॉन्फिडेंस कि आपका पूरा करेक्ट है टोटल एट टॉपिक सिक्स टॉपिक में जितना टाइम लगेगा दो टॉपिक जितना ही टाइम लेने वाला चलिए तो ये बात हो गई सिलेबस की हमारा फर्स्ट न्यूमेरिक एप्लीकेशन नंबर क्वांटिफिकेशन और उसका पहला टॉपिक मड्यूलो अर्थमैटिक यहां से हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट नॉर्मली प्रैक्टिस ये रहता है कि हम वो टॉपिक पहले स्टार्ट करते हैं जो ईजी होता है और नॉर्मली आपको दिखेगा कि मैक्सिमम मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैथ्स तो मैट्रिक्स से शुरू होगी लेकिन हम अप्लाइड मैथ शुरू कर रहे हैं तो हम एप्लीकेशन से शुरू करेंगे फर्स्ट यूनिट फर्स्ट टॉपिक मॉड्यूलो अर्थमैटिक अर्थमेटिक्स ने पढ़ी है क्या इक्वेशन होती है बेसिक एल्जेब्रिक इक्वेशन अर्थमेटिक की हम्म करेक्ट हाँ बेटा इक्वेशन बोलो क्वेश्चन रिमेंडर क्या है वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी क्या हुआ गुड वन बेसिक एलजबरा क्या था डिविडेंट क्वेश्चन डिविजर रिमाइंडर ये इक्वेशन बनती है क्या ये बातें कर रहे हो यार क्या ही बातें कर रहे हो यार ये आपका डिविजर हो गया ये आपका क्वेश्चन हो गया और सी आपका रिमाइंडर हो गया ये बेसिक अर्थमेटिक पढ़ी है हमने यही अर्थमेटिक पढ़ते आए हैं कि यदि आप 25 को 6 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स डिविजर होगा और 1 का रिमाइंडर बचेगा यहां हमारे लिए 6 इंटू फोर इज ट्वेंटी फोर प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी यही होता है तो ये हो गया वाई और ये हो गया सिक्स आपका बी ये हो गया एक्स और ये बचा वो हो गया सी बिल्कुल यही यही अर्थमैटिक हम पढ़ते आए हैं बचपन से और आज हम पहली बार एक ऐसी अर्थमैटिक के बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर पे फोकस करता है बाकी उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है सवाल पूछता हूं आज मंडे है नहीं आज सैटरडे है आज सैटरडे है ठीक है मैं आपसे पूछूं आज से पचास दिन बाद कौन सा दिन होगा बताता तो मैं सारा ही हूं आज सैटरडे है आज से फिफ्टी डेज बाद कौन सा दिन होगा क्यों क्या बात क्या किया आपने क्या एक एक दिन बैठ के काउंट किया आज सैटरडे है एक दिन बाद संडे दो दिन बाद मंडे नहीं सर फिफ्टी डेज आप पूछ रहे हो हर सेवन डेज बाद वापस सैटरडे रिपीट होगा तो सेवन से हमने फिफ्टी को डिवाइड कर दिया और सेवन से फिफ्टी को डिवाइड किया सेवन टाइम्स डिवाइड हुआ लेकिन रिमाइंडर क्या बचा वन तो हमारे लिए मैटर करता है सिर्फ वो वन कि आज से एक दिन बाद कौन सा दिन है संडे वही आज से फिफ्टी डेज बाद होगा वट वी आर डूंग हम क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं। हम एक ग्रुप जहां पे भी एक लूप बनती है वहां पे आपके लिए सिर्फ मैटर करता है डिवीज़र और लास्ट में रिमाइंडर क्योंकि हमें पता है कि डेज ऑफ अ वीक मूव इन लूप सेवन 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 तो जितने ब्लॉक ऑफ सेवन डेज यानी एक एक वीक बाहर निकाल दिए लास्ट में जो बचा उसी से काम चल गया अभी फाइव ओ क्लॉक है आज से अभी से सिक्सटी आवर्स बाद कितना बजेगा वट विल बी द टाइम आफ्टर सिक्सटी आवर्स फ्रॉम नाउ फाइव पी एम वट विल बी द टाइम फाइव ए एम ए एम पी एम का चलता है ना ट्वेल्व आवर्स क्या तो आप ट्वेंटी फोर आवर्स का क्लस्टर फॉर्म कर लो ट्वेंटी फोर आवर्स रेलवे क्लॉक अब रेलवे क्लॉक चौबीस चौबीस घंटे के लूप में चलती है सिक्सटी आवर्स में कितना हो गया टू टाइम फोर्टी एट सिक्सटी में से फोर्टी एट गए कितने रिमाइंडर क्या बचा ट्वेल्व आवर्स फ्रॉम नाउ काउंट कर दीजिए तो अभी रात शाम को पांच बजे आए फाइव पी एम आफ्टर ट्वेल्व आवर्स इट विल फाइव एम फिफ्टी आवर्स के बाद का टाइम आपने अभी बता दिया आप फाइव हंड्रेड आवर्स के बाद का टाइम भी बता सकते हो क्योंकि आपको मालूम है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर का लूप बनेगा वेयर वी आर फोकसिंग टिक डिजाइन हो गया है जहां बात हो रही है डिविजर की और बाद में लास्ट में बात हो रही है रिमाइंडर की क्वेश्चन से हमें कोई लेना देना नहीं है इट इज नोन एज मॉड्यूलो अर्थमेटिक बहुत सारी रियल लाइफ में ऐसी कैलकुलेशन ऐसे एरिया होते हैं जहां चाहे वो साइंस फील्ड में हो मैथ्स फील्ड में हो कॉमर्स फील्ड में हो जहां हम लूप के साथ काम कर रहे होते हैं डेज हो गया आवर्स हो गए वीक्स हो गए और भी बहुत सारी जगह पे ये काम आता है जहां लूप चल रहा होता है मैं आपको कोई भी एक बड़ा नंबर दे दूं और आपको बोलूँ कि इसके मल्टीप्लिकेशन से लास्ट के टू डिजिट कौन से आएंगे बताओ तो हमें पता लास्ट के टू डिजिट हंड्रेड से कम होंगे तो हंड्रेड का लूप चला दो जो रिमाइंडर बचा वो आपके लास्ट टू डिजिट तो जहां भी लूप में काम हो रहा है वहां मोड्यूलो अर्थमैटिक काम आएगी और इसीलिए यहां पे जो अर्थमेटिक इक्वेशन बनती है दैट इक्वेशन इज लाइक दिस असिस्टम सिस्टम ऑफ अर्थमैटिक फॉर इंटीजर्स व्हिच डील्स विद रिमेन्डर ओनली टिक जो सिर्फ रिमाइंडर पर फोकस करती है उस सिस्टम ऑफ इंटीजर को मॉड्यूलर अर्थमैटिक बोलते हैं जिसे लिखने का तरीका यह है कि सपोज मॉड्यूलर ऑपरेटर्स एंड मैथामेटिकल ऑपरेटर्स विच गेज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर वेन पॉजिटिव इंटीजर एक्स इज डिवाइडेड बाय अनादर पॉजिटिव इंटीजर वाई इट इज रिटर्न एज मॉड्यूलो और शॉर्ट में मॉड और इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है x डिवाइडेड बाय y योर रिमाइंडर विल बी r बाकी आपको और कुछ नहीं चाहिए इफ आई से 20 मॉड 3 व्हाट विल बी द रिजल्ट रिमाइंडर रिमाइंडर तो 6 20 डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर विल बी 2 आंसर इज 2 सो so योर x इज 20 वाई इज थ्री एंड रिमाइंडर इज टू आर इज टू ये मॉड्यूलो एर्थमेटिक है आपका सारा फोकस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस पे है आपका रिजल्ट यही है आपका आंसर यही है आपसे पूछा यही जा रहा है अब इसका एप्लीकेशन यूज करेंगे दट इज डिफरेंट एस्पेक्ट लेकिन मॉड्यूलो एर्थमेटिक का बेसिक क्या है वो क्लियर है वेयर मॉड गिव द रिमाइंडर आफ्टर एक्स इज डिवाइडेड बाय वाई ये बस आपको ध्यान रखना है मॉड का क्या मतलब है मॉड मोड्यूलो गिव्स द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय वाई जब एक्स को वाई से डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वो मोड्यूलो दे रहा है दो चीज व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई तो क्या होगा रिमाइंडर विल ऑलवेज बी जीरो ट्वेंटी मॉड ट्वेंटी रिजल्ट विल बी जीरो ये प्रॉपर्टी हो गया एक तरह से अपने आप में वेन एक्स इज लेस देन वाई वेन एक्स इज लेस देन वाई तो एक्स इज द रिमाइंडर वेन एक्स इज लेस देन वाई एक्स सेल्फ इज द रिमाइंडर थ्री मॉड सेवन थ्री मॉड सेवन वट विल बी द रिमाइंडर अरे थ्री सेवन से डिवाइड ही नहीं हो पाएगा थ्री तो सेवन से छोटा है तो रिमाइंडर क्या है थ्री सेवन जीरो थ्री इज द रिमाइंडर सो वेन एक्स इज लेस देन वाई रिमाइंडर विल बी द एक्स दो चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे मैंने चैप्टर आधा खत्म कर दिया है हाँ हाँ ये मोड्यूलो अर्थमेटिक का चैप्टर हाँ दो नंबर का वेटेज है दिस चैप्टर वेट इज टू मार्क्स द वेटेज ऑफ़ दिस चैप्टर इज ऑफ टू मार्क्स एमसीक्यूज में आता है जनरली का क्वेश्चन क्वेश्चन है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मजा आएगा ट्वेंटी वन मॉड एट एटीन मॉड एटीन जीरो माइनस थर्टी वन मॉड माइनस थर्टी वन मॉड सेवन सॉरी रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर नेगेटिव कैसे आ सकता है रिमाइंडर कांट भी नेगेटिव सो यहां पे मुझे कितने टाइम्स जा रहा है उससे तो मतलब ही नहीं है मुझे तो रिमाइंडर चाहिए इट्स आपको जाना है माइनस थर्टी वन डिवाइडेड बाय सेवन तो आप माइनस थर्टी वन से कोई बड़ी पॉजिटिव वैल्यू लो ताकि रिमाइंडर पॉजिटिव आ जाए थर्टी फाइव सेवन फाइव जा थर्टी फाइव तो मैं यहां माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा सेवन को सेवन को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई किया इट्स माइनस थर्टी फाइव प्लस हो गया रिमाइंडर क्या बचा फोर रिमाइंडर विल बी फोर रिमाइंडर कान बी नेगेटिव भाई मतलब नहीं है ना मुझे क्वेश्चन से तो मुझे तो रिमाइंडर चाहिए और रिमाइंडर पॉजिटिव चाहिए तो इसका ट्रिक क्या है नेगेटिव से रिमाइंडर पॉजिटिव पे आने के लिए क्या ट्रिक है उससे जस्ट बड़ा पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर दो उससे जस्ट बड़ा से माइनस फिफ्टी एट मॉड सिक्स देखो अभी बताएगा सब फटाफट तो रिमाइंडर टू आंसर इज पॉजिटिव टू माइनस फिफ्टी एट फिफ्टी एट से बड़ा सिक्स का डिवीजर कौन है परफेक्ट सिक्सटी टेन टाइम्स पॉजिटिव हो गया आंसर हो गया मॉड टू रिमाइंडर पॉजिटिव चाहिए सेवन मॉट ट्वेल्व सेवन ही होगा एक्स इज लेस देन वाई तो सेवन सोचना नहीं है इतना टाइम नहीं एमसी क्यों एक नंबर का क्वेश्चन है भाई देखते आंसर निकाल के बाहर चलो सिंपल हाँ अभी तो बिल्कुल सिंपल और जब ये सिंपल बात हो गई तो एक पहली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर वन एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलो अर्थमेटिक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है बहुत इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी मॉड सी में अजीब लग रहा है ना देख के लिख लेंगे है ना और ए क्वेश्चन करते इसका मजाक खत्म कर देंगे ए प्लस बी मॉड सी इज इक्वल टू ए मॉड सी प्लस बी मॉड सी मॉड सी प्रॉपर्टी लिखा सभी ने चलिए एक क्वेश्चन यहां पे था एग्जांपल एग्जांपल देखता हूं इट्स फोर्टीन प्लस एट मॉड फाइव प्रॉपर्टी पे बाद में बात करेंगे पहले इसका सल्यूशन समझते हैं फोर्टीन प्लस एट मॉड फाइव सीधा सीधा चाहें बिल्कुल प्यार से इस फोर्टीन प्लस एट ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू मॉड फाइव रिमाइंडर इज पक्का टू ओके ना फाइन अब मैं इसको तो छोटा नंबर था यार वो भली ऐड भी हो रहा है ऐड करके इसका मॉड भी निकल रहा है इसका दूसरा तरीका इसको ब्रेक कर देते हैं फोर्टीन प्लस एट मॉड फाइव को तोड़ देते हैं फोर्टीन मॉड फाइव प्लस एट मॉड फाइव तोड़ दिया अब फोर्टीन मॉड फाइव रिमाइंडर रिमाइंडर फोर प्लस एट मॉड फाइव रिमाइंडर थ्री जब दोनों को प्लस किया तो क्या आया अरे सेवन एक्स कभी भी वाई से बड़ा नहीं रह सकता एक्स को हमेशा वाई से छोटा रिमाइंडर तो हमेशा वाई से छोटा ही होगा इसका वाई क्या है फाइव रिमाइंडर कभी भी फाइव से ज्यादा तो आई नहीं सकता फिर डिवाइड हो जाएगा तो इसको फिर मॉड निकाल दिया इसका फिर मॉड निकाल दिया मॉड फाइव तो सेवन मॉड फाइव रिमाइंडर इज टू सेम आ गया दैट इज द प्रॉपर्टी ये वो प्रॉपर्टी थी कि आपके पास बड़ा नंबर आ जाए डिवाइड करने में मजा नहीं आ रहा है मतलब टाइम खा रहा है उस नंबर को तोड़ दो तोड़ दो उस नंबर को पांच पार्ट में छह पार्ट में दस पार्ट में जहां कंफर्टेबल हो जैसे मैं आपको लूंगा वन फोर नाइन थ्री फाइव मॉड सेवन सपोज क्या करूं अब यार इतने बड़े का मॉड निकालने सेवन से डिवाइड करते हुए बैठना है। फोर्टीन थाउजेंड तोड़ दिया प्लस नाइन हंड्रेड प्लस थर्टी फाइव मॉड सेवन फोर्टीन थाउजेंड मॉड सेवन जीरो पूरा ही डिवाइड हो जाएगा ना फोर्टीन थाउजेंड तो सेवन से तो ये हो गया जीरो ये हो गया जीरो आपको सिर्फ नाइन हंड्रेड मॉट सेवन निकालना है 900 हंड्रेड मॉट सेवन डालो सेवन हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड सेवन हंड्रेड सेवन जीरो आपको सिर्फ टू हंड्रेड का मॉड निकालना है टू हंड्रेड में भी तकलीफ है तो सेवन सेवन सेवनटी वन फोर्टी वन फोर्टी तक फिर भगा दो बचा सिक्सटी mod सेवन अब सिक्सटी mod सेवन फोर इतने बड़े को सेवन से डिवाइड कर दिया फोर बचा उसको मॉड वाले कॉन्सेप्ट में डाल के तोड़ के ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी करते करते भाई जो सेवन से डिवाइड परफेक्टली हो रहा है वो तो जीरो होता जा रहा है रिमाइंडर क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ रिमाइंडर पे है बोलो क्या ख्याल इतना इतना बड़ा डिटेल क्वेश्चन नहीं है कहीं आपके पास ये तो बात चली है तो हमको मैं आपको कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ कि हाँ ऐसा गेम बनता है करें क्यों नहीं कर सकते क्यों हम वन फोर नाइन थ्री फाइव को सेवन से डिवाइड करने बैठ रहे हैं टाइम लगा रहे हैं सीधा सीधा फोटीन थाउजेंड मन में फोटीन थाउजेंड तो जीरो हो जाएगा प्लस नाइन हंड्रेड प्लस थर्टी फाइव थर्टी फाइव जीरो हो जाएगा नाइन हंड्रेड बच्चेगा उसमें सेवन हंड्रेड जीरो हो जाएगा टू हंड्रेड बच्चेगा उसमें से वन फोर्टी जीरो हो जाएगा सिक्सटी बचा वर्बली निकाल दिया आपने इसका डिवीज इसका रिमाइंडर चार आएगा एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं। बात समझ में आई ये मॉड mod की मॉड्यूलो की फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर टू सेम वो एडिशन का था और ये सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो गई ये सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो गई सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी में वही वहां माइनस था वहां प्लस था यहां माइनस करके निकाल दो एग्जाम्पल बनाते हैं किसका अरे वाह बढ़िया मुनीत लिखता हूं एक बोलता हूं सिक्सटी नहीं फिफ्टी मॉट सेवन इसको सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी से करके बताओ फिफ्थ, ओए, फोर्टी नाइन माइनस वन फोर्टी नाइन माइनस वन तो फोर्टी एट बचता है क्या <laughs> क्या कर रहा है बाबू फिफ्टी मॉड सेवन को सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी से करके बताओ प्लस पे जा रहा है फिफ्टी माइनस वन कैसे कर दिया फिफ्टी को तो <laughs> फिफ्टी सिक्स माइनस फिफ्टी सिक्स माइनस सिक्स फिफ्टी सिक्स से तो हो जाएगा जीरो ऐसे थोड़ी होता है आ? अरे वैसे फिफ्टी मॉड सेवन क्या आ रहा है रिजल्ट आ रहा है वन अब फिफ्टी सिक्स माइनस सिक्स मॉड सेवन किया आपने फिफ्टी सिक्स बिकम जीरो माइनस सिक्स मॉट सेवन माइनस सिक्स माइनस सिक्स का फिर मॉड सेवन निकालना है तो रिमाइंडर नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो क्या बचेगा माइनस सिक्स से जस्ट बड़ा सेवन रिमाइंडर क्या बचा वन या आप नहीं वन आएगा ना सिक्स से जस्ट बड़ा सेवन वन टाइम जा रहा है सेवन माइनस सिक्स वन दूसरा तरीका फिफ्टी वन माइनस वन सेवन फिफ्टी वन मॉट सेवन क्या आता है टू फिफ्टी वन नॉट सेवन टू माइनस वन मॉट सेवन वन टू माइनस वन वन कैसे भी उसको यूज किया जा सकता है एनीवेज ज्यादा काम में आएगी नहीं ये सब चीजें मेनली नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे अभी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी सेम 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 बिल्कुल सेम प्लस में तोड़ो माइनस में तोड़ो मल्टीप्लाई में तोड़ो मॉड निकालने के बाद वापस ले आओ फिर मॉड निकाल दो रिजल्ट विल रिमेन सेम ए मल्टीप्लाई बाय बी मॉड सी इज ए मॉड सी मल्टीप्लाई बाय बी मॉड सी लास्ट में मॉड सी वापस लेना जरूरी है देखो, 14 मल्टीप्लाई बाय एट मॉड 5, 14 मल्टीप्लाई बाय एट मॉड 5 कैन बी रिटर्न एस 14 मॉड 5 मल्टीप्लाई बाय एट मॉड 5 मॉड 5 बन गया प्रॉपर्टी में चल रख दिया इसको हमने 14 मॉड 5 4, 8 मॉड 5 3 मॉड फाइफ इट्स ट्वेल्व मॉड फाइफ रिजल्ट इज टू ठीक है अब मल्टीप्लीकेशन में बहुत का हेल्पफुल है ये मल्टीप्लीकेशन में बहुत हेल्पफुल है दिस वन दिस वन

जाते हैं डिवाइड क्यों करना है 127 में से 70 जीरो हो जाएगा बचा 57, 56, 56 और वन मॉडल अरे हमें पता है उसका पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन वाला उठा के बाहर फेंक दो ना उसका तो रिमाइंडर जीरो आने वाला है ना तो वर्बली 127 को 7 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर चाहिए मैंने 127 में एडिशन प्रॉपर्टी से ब्रेक कर लिया उसको पहले उसमें 7 का हाईएस्ट जो याद है मेरे को सेवेंटी वो हटा दिया तो वन ट्वेंटी सेवन में से सेवेंटी हटाया तो फिफ्टी सेवन बचा फिफ्टी सेवन का फिर मॉड सेवन निकालूंगा तो वन बचेगा ना तो इसका आ गया वन मल्टीप्लाई बाय थर्टी सेवन थर्टी सेवन मॉड सेवन अच्छा और ट्रिक बताऊं वन ट्वेंटी सेवन से क्या रिमाइंडर बचा था 127 से क्या रिमाइंडर बचा वन 127 से 137 कितना ज्यादा है 10 10 प्लस वन इलेवन इलेवन वॉट सेवन फोर सीधा आ गया ऐसे ये ये जो ये जो स्मार्टनेस है ना ये डेवलप हो जाएगा ना यू मजाक में आधे के चैप्टर खत्म हो जाएंगे ट्रिक फॉर्मूले पे तो देखो सभी जाएंगे फिर हम अलग क्यों हैं मैं क्लेम करता आ रहा हूँ ना कि हम सबसे अलग है अप्लाइड मैथ्स में तो हम क्यों अलग है उसका रीजन आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ एग्जाम्पल प्रूफ के साथ इट्स समवन सेज यार एग्जाम में अरे एग्जाम में काम आता है भाई स्पीड डेवलप करने में क्योंकि कैलकुलेटर्स नहीं है हमारे पास वैसे चले वन थर्टी सेवन फोर एक और ट्रिक बताऊं वन फोर्टी जीरो होता है ना 140 से जीरो होता है ना 140 से ये कितना कम है तो नेगेटिव थ्री हो गया नेगेटिव नेगेटिव थ्री थ्री को थ्री को मॉड निकालेंगे तो फोर वैसे आ गया मैं नहीं डिवाइड करने बैठ रहा हूं सोचने बैठ रहा हूँ सेवन टू जा सेवन थ्री जा फोर ट्वेंटी थ्री मोट सेवन टू परफेक्ट फिफ्टी मॉट सेवन वन परफेक्ट टू थर्टी फाइव मोट सेवन पहले से निकाल के बैठे दो टू हंड्रेड एंड टेन निकाल दो 70 प्लस 70 प्लस सेवेंटी टू टेन उड़ा दिया क्या बचा टू टेन उड़ा दिया बचा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव में क्या निकलेगा फोर वेरी गुड वाह यार फिफ्टीन नोट सेवन वन मल्टीप्लाई करते हैं थर्टी टू थर्टी टू वापस सेवन चार बचा इतना बड़ा मल्टीप्लाई चार से आया मजा बढ़िया चीज है <laughs> अरे ट्वेल्थ का मैथ्स में ट्वेल्थ का लिटरली बता रहा ट्वेल्थ का अप्लाइड मैथ्स में अप्लाइड वाले पार्ट में बहुत मजा आने वाला है कम से कम फॉर्मले में ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन डाल के सॉल्व करेंगे इसलिए ऐसे चैप्टर्स प्यार से मक्खन जैसे खत्म होंगे पता ही नहीं चलेगा और यही चीज फॉर्मले से करने बैठेंगे ना प्रॉपर्टीज लगाओ ये करो वो बहुत कंफ्यूजन है मॉड का मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इस चैप्टर का मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है क्योंकि इसमें क्या डेरिवेशन दोगे यार क्या लिखोगे एमसीक्यूज में आता है यू देखा ये आंसर कर आगे निकल तो वो बहुत सारे चैप्टर्स के साथ होगा लास्ट टाइम पढ़ा है ना प्रोबेबिलिटी बेस्थ्यम पढ़ी थी ना अपन ने याद है फॉमूला किसी को पर फॉमूला देखा था हमने मला किया ही नहीं था बेस थ्योरम जैसे बड़े टॉपिक में हमने कोई फॉर्मुला नहीं किया था उसको डायरेक्ट किया था बस वही गेम है यार चलो फिर पब्लिसिटी कर दिया मैंने। इंपॉर्टेंट चीज अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टाइम व्हाट टाइम विल बी आफ्टर ट्वेल्व हंड्रेड एंड फिफ्टी आवर्स इफ प्रेजेंटली इट इज नाइन पीएम क्या करोगे ट्वेल्व फिफ्टी का मोड ट्वेंटी फोर निकाल दोगे क्योंकि 24 के साइकिल में चलती है क्लॉक बारह वैसे तो 12 के साइकिल में चलती है लेकिन 12 के साइकिल में प्रॉब्लम क्या आती है एएम पी एम ए एम पी एम ए एम पी एम तो 24 रेलवे वाले टाइम में चलाओ अब रेलवे वाले टाइम में 1250 मॉड 24 मॉड 24 ले लो टिको टाइम नो इशू बारह सौ घट गया 1200 तो 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है सोचो 1200 हंड्रेड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ट्वेंटी बोलो येस और नो यस 1200 हंड्रेड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ट्वेंटी फोर येस करेक्ट फिफ्टी बचा 50 का मौत 24 निकालोगे क्या बचेगा टू क्या ही डिवाइड करने बैठेंगे काहे डिवाइड करने बैठेंगे भाई सीधा सीधा पता है टू आएगा ब्रेक कर दिया प्रॉपर्टी दिमाग में लाके कि 1200 हंड्रेड प्लस फिफ्टी मॉड ये तो हो गया जीरो और यहां से बचा टू आंसर इज टू तो अभी से दो घंटे बाद अभी 9 pm है इट विल बी 11 pm डन वेरी गुड ये कुछ थेटिकली प्रजेंटेशन हैं कुछ एक्सप्रेशन हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं यू विल गेट द प्रिंट ऑफ दिस ये लिख के दिए हैं इसलिए कि कई बार एम सी क्यू में नोटेशन पे क्वेश्चन डाल देते हैं यार या, ये ये चीज कैसे लिखी जाती है तो इस एडिशन मोड्यूलो एडिशन मोड्यूलो इसको लिखते हैं ए प्लस बी इज रीड एज एडिशन मोड्यूलो एम टू ए प्लस बी इट एम टू ए प्लस बी इसी तरह सबस्ट्रेक्शन मोड्यूलो को बोलते हैं एम टू ए माइनस बी और इट इज एम टू ए मल्टीप्लाई बाई बी सिंपल बट वो ऑप्शन में आता है पढ़ा हुआ नहीं होता है ना तो थोड़ा सा लगता है कि यार इसमें क्या आंसर हो सकता है तो ये एडिशन मोड्यूलो बिफोर मूविंग ऑन द मेन एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूलो अर्थमेटिक इस पर हम डिस्कशन लंबा चलेगा कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फाइंड द मॉड ऑफ द सम ऑफ दिस फाइन द सम ऑफ वन थर्टी टू 23. बोलना नहीं आंसर है ना एवरी वन आंसर निकालना बोलना नहीं कोई बोलना नहीं अरे क्या बात कर रहे हो ऐसा मत करो यार रुको रुको बोलना नहीं लेट्स ट्राई सभी को एक बार सभी को एक बार कर लेने दो यस, जीरो 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 अपना तो पेन ले गया भाई वो हाँ हाँ, ठीक है कोई बात नहीं और बाकी एवरीवन। मुझे क्या मालूम मैं खुद कैलकुलेट करके देखूंगा आंसर थोड़ी याद रख के बैठते हैं चीजों का 132 थर्टी टू मॉट ट्वेंटी थ्री फोर्टी सिक्स 92. Two time 46. 46 का भी two time कर दिया 92. 92 में फिर ट्वेंटी थ्री एड किया हंड्रेड एंड्रेड एंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एड करेंगे ज्यादा हो जाएगा तो हंड्रेड एंड फिफ्टी हंड्रेड एंड निकाल दिया हंड्रेड एंड बाहर निकाला कितना हंड्रेड एंड फिफ्टीन निकाला कितना बचा सत्रह बचा ये सत्रह रख लिया भाई और आप 138 तक भी जा सकते हो 115 प्लस 23 कितना हो गया 138 तो यहाँ माइनस सिक्स बच जाएगा कोई बात नहीं 121, ट्वेंटी वन कहाँ तक आ गए थे 115, 115 इसमें क्या बया सिक्स प्लस सिक्स बचा माइनस सिक्स प्लस सिक्स ज़ीरो ओके okay, चलिए इसका बताइए तो बहुत आसान है बहुत आसान है वह बलि बता देंगे सभी 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 सभी, सभी। ये तो हो ही गया सर ये तो हो ही गया एवरी वन लाउडली कोरस में टू करेक्ट टू सिक्सटीन नोट सेवन टू ट्वेंटी नाइन नोट सेवन वन वन इंटू टू टू रिमाइंडर इससे कम होना चाहिए आंसर सामने है कमी है परफेक्ट क्या बात नेक्स्ट दिस वन मतलब अरे नहीं अपने को यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना है यार अपन चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे ही नहीं टू को एट से डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढ लो और मेरा तरीका वो सिंपल रहता है पहले टेन के मल्टीप्लिकेशन में जाता हूँ एट्टी वन सिक्सटी टू फोर्टी टू फोर्टी से पहले आना है तो 80 160 फिर 40 200 200 बाहर गया 26 बचा 2 मेरा तरीका है वर्बल निकालने का आप अपना टाइम लीजिए आप सब अपना टाइम लीजिए आराम से ये देखो पहला फास्ट आंसर आया है हमारे पास पता नहीं सही है या नहीं लेट्स सी सेकंड वेरी गुड क्या बात और कम ऑन 226 divided by 8 remainder is 2. 369 divided by 8 remainder is 1. 122 divided by 8 2. 461 divided by 8 remainder is 1. 1000. कैसे ये तो फाइव आएगा और वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई एट वन मल्टीप्लाई एवरीथिंग ट्वेंटी मॉड एट फोर परफेक्ट अच्छा एक ये बता दो तो लास्ट आज के लिए क्वेश्चन नंबर सेवन भैया अपन क्या बोलते हैं तो क्या बात क्या बात भाई ने आंसर दिया सबसे फास्ट वन पीएम एट प्लस फाइव थर्टीन थर्टीन का मतलब 1 और गए तो आते एक एम चेंज हो जाएगा चलिए समझिए टू हंड्रेड टू हंड्रेड मॉड ट्वेंटी फोर निकालेंगे टू हंड्रेड मॉड ट्वेंटी फोर टू हंड्रेड को ट्वेंटी फोर से डिवाइड किया रिमाइंडर वन नाइन्टी टू तक जाता है रिमाइंडर आता है एट एट अभी पांच बजे है पांच बजे में एट आवर्स और ऐड कर दो तो सुबह के पांच बजे से आठ घंटे बाद ऐसे सीधा सीधा करिएगा हमेशा ऐड कर दीजिएगा एट प्लस फाइव थर्टीन थर्टीन का मतलब होता है वन ट्वेल्व के टाइम के हिसाब से और वन का मतलब हो गया वन पीएम जब भी ट्वेल्व के ऊपर जाते हैं ए से पी और पीएम से एम पे स्विच हो जाते हैं डन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मोड्यूलो अर्थमैटिक द फर्स्ट चैप्टर ऑफ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इज ओवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कॉन्गुरस मॉड्यूलो जिसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा जैसे कि टू पावर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन मॉड थ्री को मैन्युअली सॉल्व करके दिखाएंगे कि टू की पावर वन ट्वेंटी नाइन का मॉड थ्री अब टू की पावर वन ट्वेंटी नाइन तो निकालने नहीं बैठने वाले ना हम इनको कैसे सॉल्व किया जाता है कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए थैंक यू बाय सी यू